हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइन विद निधि में। आज मैं आपके लिए ये माउथ वाटरिंग रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मीठी रेसिपी है ये, और मैं आज आपके साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी। इस रेसिपी को शेयर करने के लिए बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि तुम अपनी रसमलाई की रेसिपी ज़रूर शेयर करो, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। इन्ग्रीडियंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो मैंने आज नहीं दिखाया है। तो चलिए बनाते। सबसे पहले दूध बॉईल करेंगे, जिसको हम बनाएंगे छेना। छेना बनाने के लिए हम दूध बॉईल करते हैं पहले, और जब उसमें एक उबाल आ जाता है तो उसमें विनेगर या नींबू का रस, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं छेना को बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। तो मैंने इसमें विनेगर पानी में मिक्स करके डाला। अगर आप विनेगर यूज करते हैं तो उसको 2 चम्मच पानी, 1 चम्मच विनेगर 2 चम्मच पानी के साथ यूज करें, नींबू ऐसे भी कर सकते हैं। तो छेना रेडी है, इसको मैं एक पतले कपड़े में डाल करके छान लूँगी, छान ले रही हूँ। और इसको, ये थोड़ा सा गर्म है, मैंने तुरंत ही कर दिया था, आप ठंडा होने के बाद भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसको मैं सादा पानी से धोऊंगी, ठंडे पानी से, क्योंकि जो इसमें विनेगर का एसेंस है या फिर जो नींबू डालते हैं उससे थोड़ा एसेंस आ जाता है, तो वो निकल जाएगा। अगर वो नहीं निकला तो जो आपका मलाई होता है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और मलाई रसमलाई में भी अगर आपको खट्टा टेस्ट आएगा तो मज़ा तो नहीं आएगा खाने में। इसलिए इसको सादा पानी से एक बार ज़रूर धोए छेना को, और इसको बांध करके एक तरफ मैं रख दूँगी 20 से 25 मिनट, टंगने के लिए पानी निकल जाए। अब मैं बनाऊँगी मलाई। मलाई बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, आप भैंस का दूध ले सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है और 2-3 केसर के स्ट्रैंड्स डाले हैं। तो मेरी मलाई जो है दूध की वो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ। आप गैस पे बनाएंगे तो आराम से बनाना और चलाते रहना। मैंने इसमें थोड़ी चीनी डाली, चीनी आप टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि रसगुल्ला जो बनाएंगे उसमें भी चीनी होगा तो ज़्यादा मीठी हो जाती है। मलाई रेडी हो गई मेरी, अब मैं बनाऊँगी रसगुल्ला। उसके लिए जो छेना मैंने बनाया था उसको मैंने एक तरफ रख लिया है। मेरा छेना थोड़ा सूखा था, इसलिए मैंने हाथ में पानी लगा करके इसको मैश किया अच्छे से। इसको जब तक मैश करें जब तक ये सॉफ्ट डो नहीं बन जाता। मेरा छेना एकदम सॉफ्ट दिख रहा है ना। अब मैं इसका एक गोली बनाऊंगी, अगर उसमें दरारें नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब यह है कि ये छेना रसगुल्ला के लिए रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट है और हाथों में भी ऑयल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया है रसगुल्ला बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट, और दरारें भी ज़्यादा नहीं पड़ी। मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, उसको लोग डालते हैं ताकि वो छेना जो है पानी में डाल करके फटे नहीं, बट मैं ये भी डाल के दिखाऊंगी ये बिल्कुल नहीं फटेगा। तो मैं यहाँ बनाऊंगी चाशनी, शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने चीनी ली है और पानी डाला है। आप यहाँ पे भी यही कहूँगी, चीनी टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि मलाई में भी चीनी पड़ी है। और इसमें मैं अब डाल दूँगी 2 इलायची। इलायची इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि रसगुल्ले के अंदर अच्छे से इलायची का टेस्ट आ जाए और जो विनेगर और लेमन का टेस्ट था वो निकल जाए। और इसको अच्छे से बॉयल करेंगे, जब ज़्यादा बॉयल हो जाए तब रसगुल्ला डाल दें ताकि उसका शेप ले लें। वो वाली फाइल करप्ट हो गई है, उसके लिए सॉरी, मैंने दिखाया नहीं है, बट मैं बता रही हूँ एकदम बॉयल हो जाए तब छेना डाल लें रसगुल्ला। ये देखिए कितना फ्लफी दिख रहा है और कितना अच्छा बॉयल हुआ है, एकदम इस बॉयल हो जाए, इतना बॉयल हो जब ऐसा दिख रहा है तब आप इसमें रसगुल्ला डालें। तो देखिए मेरा कितना फ्लफी हुआ है रसगुल्ला, और फटा भी नहीं है, बिना कॉर्न स्टार्च बिना कॉर्नफ्लोर के। इसको मैंने एक बार पलट के दिखा दिया है आपको, और अब मैं इसको निकालूंगी। निकालने के लिए जो इसका सिरप है वो मैं इसको दबा के निकाल दूंगी, क्योंकि मैंने मलाई में भी चीनी डाली और मुझे उतनी पसंद नहीं है, इसलिए इसको भी निकाल दूंगी मैं अच्छे से दबा के। देखो कितना फ्लफी हुआ है, दबाने से एकदम दब जा रहा है। तो मैंने मलाई में डाल दिया एक एक करके सारे रसगुल्ले, इतना फ्लफी है ना ये कि इसके स्पैचुला के जो निशान है वो बीच में आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप कॉर्नफ्लोर वगैरह डालेंगे तो ज़्यादा फ्लफी नहीं होता है, लेकिन अगर उसको कॉर्नफ्लोर डालने से ये फ़ायदा होता है कि फटता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं बनाने का तो कॉर्नफ्लोर डाल के एकदम 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल करके छेना को मैश कर सकते हैं। मैंने इसको गार्निश कर दिया है पिस्ता, कटे हुए पिस्ता और कटे हुए बादाम से। अब इसको मैं सर्व करती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत मन कर रहा है खाने का। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बाजार की रसमलाई से भी ज़्यादा टेस्टी है। देखो कितना टेस्टी बना है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है अब तक तो। और
इस रक्षाबंधन जरूर इसको ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।